मैं खड़ा हूँ अभी पार्किंग में, मैं आ गया हूँ बाहर, ठीक है। आपको मैंने पूरा इंजॉय करवा दिया और वर्चुअली टूर करवा दिया पिंजौर गार्डन का, और अभी मैं जा रहा हूँ मनसा देवी टेम्पल, जो भी यहाँ से पास ही है, चंडीगढ़ के पास ही पड़ता है वो, है ना। तो वो भी है ना एक जगह, अच्छी जगह है ना दर्शन करने के लिए माता के, मनसा देवी माता के, तो वहाँ चलते हैं अभी। तो चलो अभी निकलते हैं माता मनसा देवी टेम्पल, आ जाओ। तो भाई अभी निकलने लगे मनसा देवी टेम्पल, है ना, और यहाँ से 16 किलोमीटर है, 29 मिनट या मतलब एक आधा घंटा लगेगा हमें जाने में। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं माता मनसा देवी, आ जाओ। तो भाई अभी पिंजौर से निकल गए हैं, ठीक है, और ये मेन एंट्रेंस है जो मैंने आपको दिखाई थी, और मेन एंट्रेंस के बाहर ना ठीक सड़क के साथ में ही ना यहाँ पे भी ये छोटी छोटी यहाँ पे रेड़ियाँ लगी हुई हैं, जैसे जूस की भी है और है ना टिक्की, गोलगप्पे वगैरह, चाट की। तो आप यहाँ से भी बाहर आके भी है ना खा सकते हो, क्योंकि अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा हमें कॉस्टली लगा है ना, जब हमने खाया ना तो रेट थोड़ा कॉस्टली था, 120 और 160 का तो वही था अपना कुल, भटूरे की प्लेट थी है ना 160 की। तो अगर किसी ने यहाँ आके खाना है ना तो यहाँ आके खा लेना, अगर किसी को कॉस्टली लगता है तो बाहर भी है भाई, ये ध्यान रखना आप। बाकी जो अंदर बैठ के खाना जाता है वो उसकी मर्जी है। तो चलो भाई अभी यहाँ से निकलता हूँ और मनसा देवी निकलते हैं, आधा घंटा लग जाएगा वहाँ जाने में, तो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं माता मनसा देवी के। तो भाई सामने एंट्री गेट आ गया है माता मनसा देवी टेम्पल का, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल गेट बनाया हुआ है ना। तो चलो अभी चलते हैं, आपको लेके चलता हूँ, दर्शन करवाता हूँ टेम्पल के। और आज संडे है तो हो सकता है ना वहाँ पे संगत आई हो है ना मत्था टेकने के लिए, बाकी चलो देखते हैं, क्योंकि पिंजौर गार्डन में भी आज काफ़ी है था रश है ना बाकी दिन के मुकाबले, तो आज वहाँ पे ज़्यादा लोग आ रखे थे, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी होंगे, बाकी जाके पता लगेगा। तो चलो आपको बताता हूँ, जो भी आपको दिखाता हूँ जाके और दर्शन करवाता हूँ आपको, आ जाओ। तो भाई जो सामने गुरुद्वारा साहब दिख रहा है ना आपको, ये गुरुद्वारा साहब जी वगैरह मैं आपको ना इस पे एक अलग ब्लॉग आपको बना के फिर दिखाऊंगा, गुरुद्वारा कोहनी साहिब, कोहनी साहिब है गुरुद्वारे का नाम। तो इस गुरुद्वारे के बारे में भी आपको मैं अलग से ब्लॉग बना के फिर दिखाऊंगा, इसके दर्शन आपको अलग से करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से राइट होके अभी हम सीधा जाएंगे मनसा देवी, मनसा देवी के रास्ते में ही आता है जब आप आते हो। तो अगर कोई आया है इस गुरुद्वारे में, अगर कोई आ रखा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना जाके, ठीक है। तो अभी निकल रहे हैं हम, ऊपर रेलवे लाइन आ गई। तो चलो भाई देखो पेंटिंग्स कितनी सुंदर बनाई हुई है यहाँ पे, पंचकुला यार मैंने देखा है यहाँ के जो ना ये राउंड अबाउट चौक वगैरह है वो काफ़ी सुंदर बनाए हैं, लाइटिंग उटे लगाई हुई हैं, अच्छे लगते हैं, चंडीगढ़ में भी ये करना चाहिए। लिखा हुआ बोर्ड आ गया श्री माता मनसा देवी आपका स्वागत है। तो भाई टेंपल आ गया है और अभी मेन गेट आ गया मनसा देवी टेंपल का, यहाँ से एंटर करते हैं अभी हम और पार्किंग में लगाते हैं कार। तो भाई अभी पार्किंग में लगाने जा रहे हैं हम कार, जाके देखो टेंपल की पार्किंग की, और ये शेड बन रही है आई थिंक, सही है धूप में अगर चलते हैं यार तो यहाँ शेड में बैठ सकते हो आप साइड पे। तो भाई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे मनसा देवी टेंपल में, ये सारा शेड बन रहा है क्योंकि धूप में लोगों के पैर सड़ जाते हैं ना जाते हुए, तो सही है शेड बना रहे हैं ना बैठने के लिए। और पार्किंग लगी है अपनी, करते हैं लॉक कार को, बड़ी सही जगह पार्किंग लगी है बिल्कुल। आओ भाई अब आगे निकलते हैं दर्शन करते हैं माता जी, पूरी वहां से लेके ना एंड तक और दूसरी साइड तक ये शेड रेडी हो रही है बन के, सही है यार ये। तो भाई ये देखो यहाँ पूरा बाजार, अभी मेन बाजार में लेके जा रहा हूँ जो बाहर छोटी सी मार्केट बन गई है।
तो सामने जा रहे हैं अभी। सामने है मार्केट मंदिर की और राइट साइड है मंदिर, वहाँ पे माथा टेक के फिर जाएंगे आगे जहाँ से अभी हम पार्किंग लगा के आए हैं कार। पहले प्रसाद ले लेते हैं यहाँ से चढ़ाने के लिए। ये आ गया राइट साइड दरबार। तो दरबार में जाने से पहले यहाँ पे लेते हैं हम प्रसाद। वहीं से मिलेगा प्रसाद, आ जाओ भाई। जैसे मैंने बोला था ना कि आज रश होगा, यहाँ पे संगत है, काफ़ी संगत आ रखी है क्योंकि संडे है, तो यहाँ कहीं से भी आप प्रसाद ले सकते हो। आओ जी, शॉप्स वगैरह यहाँ पे, आइसक्रीम वगैरह, शेक वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो भाई ये पूरी बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है यहाँ पे ना, मनसा देवी के दरबार के बाहर। देखो कितनी बड़ी मार्केट है, और यहाँ से प्रसाद, खाना पीना, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी ले सकते हो। सही है, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी हैं। तो चलो भाई, माता का मंदिर दिख रहा है आगे, चलो दर्शन करके आते हैं आज। डॉल से भी नहीं खेलेगी। तो भाई यहाँ से बच्चों के लिए सामान भी आप खरीद सकते हो, खिलौने वगैरह। मैंने भी खरीद लिए हैं, सीरत के लिए कुछ लिया है, दो तीन चीज़ें, वो भी खुश हो जाएगी देख के। तो चलो भाई, लेट हो गया, अब दर्शन करते हैं जल्दी जाके अंदर। तो भाई एंटर कर रहे हैं अभी दरबार में, और ये है मेन एंट्रेंस। तो ये पूरा रास्ता अंदर घूम के, तो भाई ये पूरा रास्ता है, जब यहाँ पे ज़्यादा संगत होती है तो ना इस रास्ते से ही जाते हैं। कई लोग अब भी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ से जा रहे हैं, इसको पूरा क्रॉस करके ऐसे zigzag पूरा एंड तक जाना पड़ता है। बट मैं यहीं से जा रहा हूँ, एंट्री वाले रास्ते से ही जाके दर्शन करते हैं। आ जाओ, तो भाई अब ऊपर जा रहे हैं, मेन मंदिर में फोटो खींचना मना है, तो मैं अंदर से नहीं आपको दिखाऊंगा, आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। बाहर से दर्शन करो, ठीक है, आ जाओ। तो भाई टीवी पर दर्शन कर लो माता के, चलो लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन यार ये सही है, पंखे लगे हुए हैं यहाँ पे पूरे दरबार में।
भाई होप करता हूँ आपको मनसा देवी टेंपल के दर्शन अच्छे लगे होंगे। अभी मैं दर्शन करके ही बाहर आया हूँ जस्ट, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। दर्शन कर लिए हैं और बाहर आया हूँ, बाहर से आपको दरबार के दर्शन करवा रहा हूँ, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो दर्शन करो माता मनसा देवी के, और ये पूरा परिसर, और अब सनसेट भी होने वाला है, तो सनसेट का व्यू भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा यहाँ से। वो देखो भाई सनसेट हो रहा है, ये बैठने के लिए कुछ जगह बनाई हुई है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फैन वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो भाई मंदिर के ना बिल्कुल अंदर जाके ना बहुत प्यारा गार्डन भी बना हुआ है, यहाँ पे ना बहुत प्यारा गार्डन बना हुआ है मंदिर के अंदर अंदर ही है। देखो बंदे बैठे हैं ना, तो सही लग रहा है। और ये रास्ता जाता है, ये अभी हम दूसरे मंदिर में जाएंगे सामने। ये यहाँ से हमने दर्शन कर लिए, आगे जा रहे हैं। तो भाई यहाँ से निकल के एग्ज़िट करके ना ये मंदिर से सामने आपको भंडारा मिल जाएगा, और भंडारे के साथ ही यहाँ पे पटियाला मंदिर है, और यहाँ पे भी दर्शन करना ज़रूरी है। वहाँ से आके इधर से आएंगे और सामने ही पटियाला मंदिर है, अब अंदर दर्शन करते हैं इसके पटियाला मंदिर के। ये भी बड़ा सुंदर आर्किटेक्चर बनाया हुआ देखो यार पटियाला मंदिर का। और अभी अंदर जाके नहीं मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। और ये रहा पूरा इसका 360 व्यू पटियाला मंदिर का, अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। जो भाई ये था माता मनसा देवी का सारा दर्शन जो आपने अभी किया मेरे साथ, और अभी मैं निकल रहा हूँ। मेरे पीछे देखो गार्डन कितना सुंदर है मंदिर में। बाकी बस यही था यार, जो कुछ था मैंने आपको दिखाया ना, दर्शन करवाए माता के। तो कैसा लगा आपको दर्शन करके बताना कमेंट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। टिल देन सबको बाय बाय, और कमेंट्स करके जाना कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक का बटन दबा दो, बाय बाय।